भूषण ज्वेलर्स। मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत थलटूखोड़ मड़ भूमचवाड़ सड़क को पक्का कर बेहतर बनाया जा रहा है। इस सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है तथा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के पक्का हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी तथा किसानों को अपनी नकदी फसलों को बाजार तक ले जाने में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास की रोशनी को पहुंचाना प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रदेश के साथ साथ द्रंग विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया है तथा आगे भी इसे रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के दूरदराज गांव में अनेकों शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। यही कांग्रेस है जिसने काम भी किया है, यही कांग्रेस है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया है, और यही कांग्रेस है, ये ठाकुर कौल सिंह जी यहां बैठे हैं, जो कि अभी कल का भी इनका दौरा इनके क्षेत्र का ही था, तो इन्होंने हर जगह में बोला कि ये प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, फिर मैंने मिडिल कराया, फिर मैंने हाई कराया, फिर मैंने 10+2 स्कूल कराया। कितने स्कूल है जिन्होंने जो इनके द्वारा अपग्रेड हुए, और इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने पशु औषधालय खोले, कितने आयुर्वेदिक संस्थाएं बनाई, कितनी सड़कें बनाई, जहां पर बिजली पानी नहीं था वहां बिजली पानी पहुंचा के दी, जहां सड़कें दुरुस्त करनी थी उसकी मरम्मत के लिए इन्होंने सरकार से पैसा दिलाया। तो इतना काम करने के बावजूद भी अगर उनको हार का सामना करना पड़े तो मैं समझती हूँ इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चौहार घाटी में भूभूजोत टनल निर्माण का मामला भी केंद्र सरकार से प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस टनल के बन जाने से जहां कुल्लू मनाली को आवागमन के लिए लगभग 65 किलोमीटर की दूरी कम होगी, तो वहीं चौहार घाटी सहित अन्य जिलों के लोगों सहित पर्यटकों को भी इसका लाभ होगा। साथ ही यह सड़क एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कह रहे थे कि एक बच्चों के लिए खेल मैदान होना चाहिए, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों की खेल में रुचि होगी, उनके लिए खेल का प्रावधान करेंगे हम लोग, मैदान बनाकर देंगे, तभी बच्चे आगे उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो आज मैं अपनी सांसद निधि से आप बच्चों के मैदान बनाने के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। आपने पशु औषधालय की मांग की है, और एक जोगिंदर नगर से मयोठ बस लगाने के लिए भी आपने बात की है कि बस लगनी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात करेंगे और उसके लिए उनसे आग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अनाउंस नहीं कर सकती, वो तो वो इजाजत देंगे तभी ये बस लग पाएगी, पर बात आपके वश उन तक पहुंचाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।